हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। तो तुम लोग एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है? मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट एग्जांपल वन, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन अल्फा माइनस थ्री प्लस बीटा स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन बीटा माइनस थ्री। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। तो देखो क्या बेटर रहेगा, तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो और फिर मैं आप बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इन सच क्वेश्चंस ना हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि इधर से हमने रूट निकाला अल्फा और बीटा और वो इसमें प्लग कर दिया। वी विल अवॉइड दिस थिंग। ऑफकोर्स ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा कि अगर मान लो इधर हमारे इरेशनल रूट्स हुए तो देखो, अगर मान लो जैसे अभी तो चलो इधर अल्फा स्क्वायर है, अभी हम कुछ एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं जिसमें अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा की पावर फाइव हो, तो सोचो कितना कैलकुलेशन हो जाएगा। ऑलरेडी ये इरेशनल होगा, उसके बाद तुम उसकी पावर फाइव लोगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट मतलब है प्रोसीजरली पर थोड़ा लॉजिकल है। क्या है, देखो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। मैंने बोला कि अगर अल्फा और बीटा इसका रूट्स है तो इस अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने बोला कि सिंस इसका रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है, तो लेट्स से मैं इतना पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ सिमेट्री से, मैं ये बोल दूंगा इसका आंसर। और तो मैं इसको रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी तो ये दिया है क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, आई वॉन्ट टू रिड्यूस इट। तो देखना कैसे कर रहे हैं। तो देखो अल्फा इसका रूट है तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अब देखना मैं ये फैक्ट यूज करूंगा टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। कैसे वो देखते हैं हम। देखो ऊपर में जैसे इस इक्वेशन से मेरा अल्फा स्क्वायर निकल जाएगा, अल्फा स्क्वायर विल बी थ्री अल्फा प्लस सेवन। इसको मैंने न्यूमरेटर में रख दिया, कहाँ, इधर अल्फा स्क्वायर की जगह। तो क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर मतलब थ्री अल्फा प्लस सेवन प्लस फाइव अपॉन। अब देखना एक और चीज, अब नोटिस करने वाली चीज क्या, चलो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, अल्फा माइनस थ्री, ये हो गया मेरा थ्री अल्फा प्लस ट्वेल्व अपॉन अल्फा माइनस थ्री। ठीक है, अच्छा अब मुझे डिनोमिनेटर में से अल्फा माइनस थ्री गायब करना है, तो इस इक्वेशन से क्या तुम्हें अल्फा माइनस थ्री मिल सकता है। हाँ देखो वो इक्वेशन ही ऐसी दी है कि हमें जो पूछा है ना उसी से मिलता जुलता फैक्टर है। देखो इधर से अल्फा माइनस थ्री आ रहा है, अगर मैं इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लूँ, व्हेन आई विल टेक अल्फा कॉमन, तो बीच क्या बनेगा अल्फा माइनस थ्री, और उधर जाके सेवन प्लस सेवन हो जाएगा। तो इधर से मुझे अल्फा माइनस थ्री की वैल्यू क्या मिली, सेवन अपॉन अल्फा, तो आई विल पुट इट हियर। तो देखो डिनोमिनेटर मेरा कॉन्स्टेंट पार्ट आ जाएगा सेवन, वेरिएबल पार्ट खत्म हो गया। ठीक है ना, चलो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो थ्री अल्फा प्लस एक नोट सेवन फाइव ट्वेल्व करेक्ट है अपॉन सेवन बाय अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। अच्छा अगेन अब मैं क्या करूँ, इस अल्फा को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वेल्व अल्फा अपॉन सेवन। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको फर्दर और लिख रहा हूँ। देखना अल्फा स्क्वायर को अगेन मैं लिख सकता हूँ थ्री अल्फा प्लस सेवन, तो थ्री टाइम्स अल्फा थ्री अल्फा स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं थ्री अल्फा प्लस सेवन, और इधर प्लस ट्वेल्व अल्फा लिखा है अपॉन सेवन। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, सेवन थ्री जा, चलो इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन और ट्वेल्व ट्वेंटी वन अल्फा, तो ट्वेंटी वन अल्फा प्लस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन अपॉन सेवन। तो ये तो एक सेकेंड देख लेते करेक्ट है या नहीं, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी, एक मिनट, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस ट्वेल्व करेक्ट है, नाइन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी वन, और सेवन थ्री बिल्कुल करेक्ट है। अभी थ्री टाइम्स आ रहा है तो क्या आ गया, अभी ये बेसिकली थ्री अल्फा प्लस थ्री। अच्छा अब देखो, अब अगर मैंने अल्फा की जगह बीटा यूज़ करूँ तो ये और ये एक ही एक्सप्रेशन लिखा है, बस अल्फा की जगह बीटा है, तो मेरा यहाँ जहाँ इस वाले पार्ट में अल्फा इन्वॉल्व हुआ है वहाँ वहाँ मेरा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो चीज़ है वो रिड्यूस होकर क्या आने वाली है हमारा, जैसे इधर थ्री अल्फा प्लस थ्री आया, इधर आएगा थ्री बीटा प्लस थ्री। ठीक है, चलो अब मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, तुम लोग इसको कॉपी करो। ठीक है, अच्छा
अब सुनना, मैंने क्या बोला, तो ये मेरा किसमें हो गया रिड्यूस, 3 अल्फा प्लस 3, और ये हो गया 3 बीटा प्लस 3। तो अब इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन आया अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 प्लस 3 6। अब सोचो अब मैं क्या यूज़ करूँ, सम ऑफ द रूट। तो इस इक्वेशन में सम ऑफ द रूट क्या है, माइनस बी बाय ए विच इज 3। तो 3 × 3 + 6, तो 3 × 3 = 9 + 6 = 15। तो दिस इज माई आंसर। तो देखा कैलकुलेशन कितना कम हुआ हमारा, हमने क्या फैक्ट यूज़ किया है, ओवरऑल अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमने, और किस्मत से क्या हो रहा था, वो टर्म जो दिया था डिनोमीटर में वो डायरेक्टली इधर दिख रहा था अल्फा माइनस 3, ठीक है ना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेम कैटेगरी का, इसी का बी पार्ट कर लेते हैं, मतलब ये क्वेश्चन पार्ट सेम रहेगा, इसमें एक और ऑप्शन देता हूँ बी क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब देखना मैं एक्सप्रेशन जो दे रहा हूँ वो थोड़ा अलग दे रहा हूँ, एंड अगेन तुम लोग पहले खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ क्वेश्चन को, इक्वेशन है बी पार्ट इज अल्फा की पावर 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा की पावर 5 माइनस 7 बीटा क्यूब अपॉन 3 बीटा प्लस 7। चलो अगेन क्या, जैसे कि मैंने बोला पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो, मैं इसको बता रहा हूँ। तो एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोशिश क्या रहेगी मेरी कि इस चीज़ को मैं लीनियर कॉम लीनियर फंक्शन ऑफ अल्फा लिख लूँ, सो दैट इधर भी लीनियर ऑफ अल्फा आ जाए, इधर भी लीनियर ऑफ बीटा आ जाए, और सिमेट्री से क्या आएगा, अल्फा और बीटा का कोफिशियंट सेम आएगा, तो वो कॉमन लेके मेरा अल्फा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, फिर मैं वही सम ऑफ रूट यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखना सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, इसमें से अल्फा क्यूब कॉमन आ रहा है, तो पहले तो मैंने तुरंत निकाल लिया अल्फा क्यूब, और इधर बचा अल्फा स्क्वायर माइनस 7 और नीचे बचा 3 अल्फा प्लस 7। अब देखना, अब अल्फा इसका रूट है तो वही वाली इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 7 = 0। तो इससे मेरा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 3 अल्फा प्लस 7। अब देखो ध्यान से, अच्छा एक चीज़ और है, देखो एक तो मैं इस वाली इक्वेशन से इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और एक मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 = 3 अल्फा। देखो ये दोनों फॉर्म में लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। अब देखना दोनों में फॉर्म इसमें यूज़ कर रहा हूँ, एक तो अल्फा स्क्वायर माइनस 7 किसके बराबर, 3 अल्फा, तो ये हो गया मेरा 3 अल्फा, और एक अल्फा क्यूब बाहर था, तो अल्फा की पावर 4 अपॉन 3 अल्फा प्लस 7 कितना है, 3 अल्फा प्लस 7 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर आ गया। तो देखो कितना जल्दी सिंप्लीफाई हुआ हमारा, ये डायरेक्टली क्या आ गया, 3 अल्फा स्क्वायर। तो जब ये 3 अल्फा स्क्वायर आया है तो डेफिनेटली ये कितना आएगा हमारा, 3 बीटा स्क्वायर। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, जो पूछा है 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमने पहले ही बताया, आई कैन एक्सप्रेस दिस एज इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। कैसे, देखो 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मैं इधर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट डाल देता हूँ, सम ऑफ रूट क्या है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9, तो 3 टाइम्स ये तो हो गया 9 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, फ्रॉम हेयर इट इज सी बाई ए माइनस 7 माइनस 7, तो 7 × 2 = 14, 14 × 9, तो 14 × 9 कितना आया, 9 × 4 = 36, 9 × 1 = 9, 3 × 1 = 26 इंटू 3, दिस इज माई आंसर। कैलकुलेट कर लेना 126 × 3 378 आएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरमीडिएट लेवल का बोलूँगा इसको भी, मतलब जेई मेंस और एडवांस के बीच में, ठीक है। चलो अब हम कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो टॉपिक डाल लो तुम लोग, उससे पहले इसको कॉपी कर लो अच्छे से, कोई भी स्टेप में अगर दिक्कत आता है तो तुरंत व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है ना। अब मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। पहले हम ये बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, देखना मैंने लिखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। बेसिकली है क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, मतलब क्या है कि जैसे हमें कोई क्वाड्रेटिक दिया होगा, ठीक है, और उसके हमें रूट्स बोल रखे होंगे कि लेट से अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक। अब हमें क्या बोलेगा वो कि ऐसा क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स हैं लेट से अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। तो मुझे क्या करना है, जो रूट्स है ना उसी में क्या करेगा, वो कुछ प्लस माइनस या कुछ मल्टीप्लाई करेगा और बोलेगा कि वो जो रूट्स है वो किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो निकालना है, दैट इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। एक बार और क्या होगा, जैसे मैंने लिखा ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये गिवन है। फिर वो क्या बोलेगा, फाइंड क्वाड्रेटिक हूज रूट्स आर लेट से अल्फा प्लस थ्री एंड बीटा प्लस थ्री। ठीक है, तो इसको समझते हैं आप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, लिखी लो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो, लेट द क्वाड्रेटिक, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव रूट्स, हैव रूट्स अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हूज रूट्स आर, हूज रूट्स आर, देखना पहला पार्ट में लिख रहा हूं, अल्फा प्लस थ्री, अल्फा प्लस थ्री कॉमा बीटा प्लस थ्री। चलो सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं मैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस कॉमा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। चलो इतना काफी है, बाकी हम और भी सब पार्ट्स बना लूंगा आगे जाके, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें इसको भी क्या है ना, हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस मेथड वन, जो ऑलरेडी मैंने इसका मेथड वन का एक्सप्लेनेशन पहले दिया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है ना, जब हमने बोला था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस थ्री एंड बीटा प्लस थ्री। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो क्या है कि हम कौन सा फैक्ट यूज करेंगे, हमें निकालना है वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हैं ये दोनों। तो मुझे पता है कि देखो मैं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द क्वाड्रेटिक, द क्वाड्रेटिक हूज सम ऑफ रूट्स, हूज सम ऑफ रूट इज एस, कैपिटल एस लिख दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज पी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। ये पहले बताया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सम, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब हम इसी फैक्ट का यूज करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो पहले मैं निकाल रहा हूँ सम, चलो मैं फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, तो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट सम। तो सम क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस थ्री प्लस बीटा प्लस थ्री, ये दोनों रूट्स का सम होगा। तो ये मेरा हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस सिक्स, और अल्फा प्लस बीटा मेरा यहाँ से आ जाएगा, किधर से आ जाएगा, हमारे इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा दे रखे। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट कैन आई कैलकुलेट, सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इनटू बीटा इज सी बाय ए। वो चीज मैं वैल्यू इधर रख दूंगा बस, देखो रख के देखो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, माइनस बी बाय ए प्लस सिक्स, ये हो गया मेरा सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फा प्लस थ्री इंटू बीटा प्लस थ्री। तो देखना इधर इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस थ्री टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस नाइन, देख लो। अब इसको, अब इधर हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट डाल दिया, तो ये हो जाएगा सी बाय ए माइनस थ्री बी बाय ए प्लस नाइन। तो इसमें एलसीएम लेके क्या लिखूं मैं, सी माइनस थ्री बी प्लस नाइन ए अपॉन ए, दिस इज वॉट माई प्रोडक्ट। अब एस आ गया तुम्हारे पास, दिस इज एस, और पी आ गया, बस इसमें रख दो ये वैल्यूज, प्लग कर दो, तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट से अल्फा प्लस थ्री एंड बीटा प्लस थ्री। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से, कि ऐसी क्वाड्रेटिक जनरेट करो जिसके रूट्स हैं सच थिंग्स, सो वी विल यूज दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो, और सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना आसान है। ठीक है, चलो तो अब तुम लोग इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। और अगेन ये दोनों वैल्यू सम और प्रोडक्ट की जो मैंने निकाली इसमें रख के फिर आंसर, फाइनल आंसर बोलेंगे, इतना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें पूरा क्वाड्रेटिक बोला है, तो हमें क्वाड्रेटिक निकालना है जिसके रूट्स ये हैं। ठीक है ना, सो डोंट लीव जस्ट बाय फाइंडिंग एस एंड पी, यू हैव टू प्लग दीज टू वैल्यूज हियर, क्लियर है बच्चों। चलो अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, तो अगेन पॉज द वीडियो, इसको कॉपी करो और एक बार खुद से ट्राई करो ये, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड सम ऑफ दीज एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज। प्रोडक्ट तो दिख रहा है काफी आसान है, क्योंकि ये अल्फा से ये अल्फा गया, ये बीटा से ये बीटा गया, तो अल्टीमेटली अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा, सी बाय ए। तो प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ही आसान हो गया, हाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगी, फॉर्मूला लगेगा तुम्हें सम निकालने में, ठीक है। उधर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है, काफी हिंट है। अब तुम लोग इसको करो, मैं फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, अब सुनना। तो मेरा सम कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर
अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो एलसीएम लो तो क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आइडेंटिटी यूज़ की है मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर इसको ऐसे भी एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। फिर इसमें हमें फिर दोबारा क्या करना पड़ता, ये और ये दोनों चीज़ सेम ही लिखी है, बस इधर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के क्या लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। बिकॉज एनी हाउ मुझे जो भी इधर आ रहा है एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा, आई हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा सेपरेटली हियर, उसमें तो अंडर रूट वगैरह आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, मुझे केवल सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दैट आई हैव टू यूज। तो इसलिए मैंने क्या बोला, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आई विल राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। क्लियर है बच्चों? चलो अब मैं डिनोमिनेटर हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब बस अब तुम्हारा टास्क है क्या करो, इस वाले इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज प्लग कर दो, ये दोनों वैल्यूज, तो यू विल गेट सम। दैट सम किसके टर्म्स में आ जाएगा हमारा, ए बी और सी, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा, और सेकेंड पार्ट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट जैसा कि मैंने बोला बहुत ही आसान है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो एक अल्फा से एक अल्फा गया, एक बीटा से बीटा गया, तो यू विल गेट फाइनली अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा बीटा क्या है, सी वाई। तो सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, अब हमारी उस इक्वेशन में रख दो, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो जो मैंने अभी मेथड बताया तुम्हें, ठीक है, ये काफ़ी सिंप्लीफाइड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कैलकुलेशन होगा इसमें ऑफ कोर्स। अब मैं जो मेथड बताने वाला हूँ ना वो बहुत ट्रिकी मेथड है, तो उसको समझते पहले हम, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। सो वीडियो को पॉज करो और तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब देखना, पहले मैं उस मेथड का स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, मतलब ये बोल सकते हैं हम, दैट इज मेथड टू फॉर सच क्वेश्चंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो राइट डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स मेथड टू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स मेथड टू। क्या है मेथड, देखना, मेथड टू इनसाइड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स मेथड है क्या कि लेट, पहला तो वही चीज है कि लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैव रूट्स एज have roots as alpha comma beta, ठीक है ना, alpha comma beta, where a b c are constant, where a comma b comma c are constant, then to find the quadratic whose roots आर, अब देखना क्या लिख रहा हूं मैं, के वन अल्फा प्लस के टू अपॉन के थ्री अल्फा प्लस के फोर कॉमा के वन बीटा प्लस के टू अपॉन के थ्री अल्फा प्लस के फोर। ठीक, क्या बोला उसने कि ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर दीज टू थिंग्स, वेयर के वन के टू के थ्री के फोर क्या है, कॉन्स्टेंट है। चलो इसको भी लिख लो, वेयर माई के वन कॉमा के टू कॉमा के थ्री कॉमा के फोर दीज आर माई कॉन्स्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब उसने कहला टू फाइंड द क्वाड्रेटिक रूट्स इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, इसका प्रोसीजर क्या है, पहले प्रोसीजर लिख लेते हैं उसके बाद हम इसके लिमिटेशन भी समझेंगे और एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। पहले प्रोसीजर लिख लेते हैं, पी आर ओ सी डी यू आर ई, पहले हम प्रोसीजर लिख रहे हैं। क्या बोला कि लेट से मैं इसको क्या बोलूंगा, गामा, क्या बोला मैंने, गामा बोला, तो मैं लिख लेता हूँ, लेट गामा इज इक्वल टू के वन अल्फा प्लस के टू अपॉन के थ्री अल्फा प्लस के फोर। ठीक है, प्रोसीजर लेट गामा इज इक्वल टू दिस। नाउ सेकंड स्टेप, स्टेप टू, ये मेरा स्टेप वन हो गया, स्टेप वन। स्टेप टू क्या बोल रहा है कि
अब क्या करो, देखो इधर तो क्या गामा, देखो के वन के टू के थ्री के फोर के तो मैं कॉन्स्टेंट दिखना चाहिए, लेट से के वन इज वन के टू इज टू के थ्री इज अगेन लेट से फाइव के फोर इज सिक्स, ठीक है ना, तो के वन के टू के थ्री फोर तो कॉन्स्टेंट है, अल्फा इधर केवल वेरिएबल है। अच्छा अब सुनना, मैंने क्या बोला स्टेप वन में लेट गामा इज इक्वल टू दिस, अब क्या करो एक्सप्रेस एक्सप्रेस अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा ऑफ गामा, जैसे इधर तो क्या गामा को हमने अल्फा के टर्म्स में लिखा है, अब मैं बोल रहा हूं अल्फा को गामा के टर्म्स में लिखो, कैसे लिखेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो इसको इधर लेके जाओ, चलो करते हैं हम के थ्री गामा इंटू अल्फा प्लस के फोर गामा इज इक्वल टू के वन अल्फा प्लस के टू, अब मैं इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूं और इस वाले टर्म को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया, अब देखना अल्फा और इसमें अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा कॉमन लिया डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इधर से अल्फा कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा के थ्री गामा इधर से आएगा माइनस अल्फा कॉमन ले चुका तो के वन इज इक्वल टू इधर से आया जी के टू बचा इधर माइनस इधर से आया के फोर गामा, तो मेरा फाइनली ये क्या हो गया इधर अल्फा इज इक्वल टू के टू माइनस के फोर गामा अपॉन के थ्री गामा माइनस के वन, ये आ गया हमारा जो स्टेप टू बोला था, क्या बोला था उसने एक्सप्रेस अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा, तो हमने अल्फा निकाल लिया गामा के टर्म्स में, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, तुम लोग उसको कॉपी कर लो और फिर स्टेप थ्री पे आते हैं, देखना चलो इसको हटा देता हूँ, क्या बोला मैंने मेरा अल्फा आ गया स्टेप टू, अब क्या करें हम, अब देखो स्टेप थ्री हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, पहले लिख लो स्टेप्स उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्या बोला मैंने अल्फा आ गया, अब क्या करो अल्फा को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दो, क्या बोला मैंने सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट अल्फा इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो रख देते हैं इसमें ए इंटू क्या हो जाएगा ए इंटू के टू माइनस के फोर गामा अपॉन के थ्री गामा माइनस के वन इसका स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स के टू माइनस के फोर गामा अपॉन के थ्री गामा माइनस के वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब जो आखिरी स्टेप है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मेन क्रिटिकल स्टेप वही है, ट्रिकी पार्ट, और ऑलरेडी उसके बेसिस पे हम एक एग्जांपल भी लिए हैं इससे पहले आई थिंक सेकंड लेक्चर में, देखना समझना। देखो अभी तुम ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन को जो हमें बनी, जब मैं इसमें एलसीएम लूंगा ना तो देखो क्या आएगा, जैसे एलसीएम लेंगे हम तो इधर क्या लिखा है के थ्री गामा माइनस के वन का स्क्वायर, तो इस वाले पूरे ऊपर नीचे हम के थ्री गामा माइनस के वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम के थ्री गामा माइनस के वन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेन यू विल सिंप्लीफाइड या फिर ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है जो न्यूमरेटर आने वाला है ना, न्यूमरेटर इसका दैट विल बी क्वाड्रेटिक इन गामा, ठीक है, मतलब ऐसा आएगा सम कांस्टेंट इनटू गामा स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट इनटू गामा प्लस सम कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो, तो मैंने क्या बोला कि गामा स्क्वायर आएगा उसका कुछ कॉन्स्टेंट आएगा के वन के टू के थ्री के फोर के टर्म्स में, तो लेट्स से उसको मैंने कैपिटल ए मान लिया, फिर गामा आएगा उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट आएगा एंड दैट अगेन विल बी इन टर्म्स ऑफ के वन के टू के थ्री के फोर, तो उसको मैंने कैपिटल बी मान लिया, और कुछ कॉन्स्टेंट पार्ट आएगा और वो भी हमारा किसके टर्म्स में आएगा के वन के टू के थ्री के फोर को, उसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। अच्छा अब आया वो स्टेप, वीडियो पॉज करो सोचो अब मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे क्या निकालना था क्वाड्रेटिक जिसका रूट ये है, जस्ट थिंक इट वंस वीडियो पॉज करके मैं आप बता रहा हूँ, देखना ध्यान से बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था तुम्हें कि अगर जैसे ऐसा दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और मैं बोलूँ इसका रूट अल्फा है, तो हम क्या करते हैं अल्फा इसमें रखते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था जिसमें उल्टा जाना पड़ रहा था हमें, अब क्या बोल रहे हैं हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है और इससे मैं कंक्लूड क्या निकाल रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा होगा, क्लियर है, ये दिया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, दिस इज गिवन, वी कैन से कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक रूट अल्फा होगा, उल्टा
दिस इज इंपॉर्टेंट. उल्टा जाना इज थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है, ठीक है ना. अब उसी प्रकार इसका सोचो, ये लिखा ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो दिस इंप्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विल हैव रूट एस गामा. इधर लिख लो साइड में, इधर ही लिखना तुम लोग, विल हैव रूट एस गामा. और गामा है क्या? वही तो है जो पूछा था, वो क्वाड्रेटिक निकालना जिसका रूट गामा हो. तो दिस इज नथिंग बट अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक. है ना मजेदार चीज. दोबारा एक बार मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया था, एक बार दोबारा स्टार्ट करते. मैंने बोला जो रूट निकालना था मुझे, जिस क्वाड्रेटिक का रूट ये है उसको मैंने गामा मान लिया. तो गामा एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा लिखा है, गामा को अल्फा के टर्म्स में लिखा है अभी. फिर मैंने क्या बोला, अल्फा को तुम गामा के टर्म्स में लिखो. तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा को एक तरफ लेके आए और हमने लिख लिया अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा. दिस इज ऐसे लिख लो, नहीं तो दिस इज अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा, अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा. फिर क्या किया, इस अल्फा को हमने क्वाड्रेटिक में रखा, फिर उससे मुझे मिला गामा में एक क्वाड्रेटिक मिली. इससे मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूँ, इफ अल्फा गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज, लिख लो इधर, दिस इंप्लाइज, दिस इज सिंपल ऑफ दिस इंप्लाइज कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कैपिटल लिखा है मैंने, ए बी स्मॉल ए बी सी से अलग है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूट गामा होगा. और अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमें वही क्वाड्रेटिक निकालना था जिसका रूट गामा है. तो हेंस प्रूफ दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक. क्लियर हुआ बच्चों? तो बहुत ही मजेदार मेथड है और बहुत फ्रूटफुल है, बट इसमें कुछ कमियां हैं. कमियां क्या है, जैसे सुनो, पहली बात तो कि ये जो हमें रूट्स निकालने ना, जो मैंने बोला के वन अल्फा प्लस के टू अपॉन के थ्री अल्फा प्लस के फोर और इधर बीटा वाला टर्म्स लिया था पहला. चलो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को रब कर देता हूँ, फिर डिक्टेट कर देता हूँ या लिख ही दूंगा मैं. तो तुम वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो पूरे पार्ट को, ठीक है. और चलो मैं आता हूँ इस पर. क्या बोला मैंने कि इसमें हमारी लिमिटेशन हैं कुछ, जैसे इससे पहले वाला जो मेथड था ना उसमें कोई लिमिटेशन नहीं थी. हालांकि ऑल्दो दिस इज ईजी, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है वो ज़्यादा तुम्हें मतलब कहीं कहीं इसमें अटक जाओ, बट प्रीवियस मेथड तो हर जगह काम करेगा. इसमें लिमिटेशन क्या है लिख लो. चलो लिमिटेशन, वो भी लिमिटेशन ऐसी कोई बहुत बड़ी लिमिटेशन नहीं है, उसको भी ओवरकम किया जा सकता है, उसको भी ओवरकम किया जा सकता है. मैंने क्या बोला कि पहला लिमिटेशन क्या है, चलो पहला लिमिटेशन मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेथड है दैट इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर अपॉन लीनियर. देख रहे हो तुम, ये भी मेरा लीनियर इन अल्फा है, ये भी मेरा लीनियर इन अल्फा है. जैसे ऐसा लिखा है ये K1 K2 K3 को मान लो 1 2 3 4 मानू, तो अल्फा प्लस 2 अपॉन 3 अल्फा प्लस 4 दिस इज व्हाट लीनियर एक्स. जो न्यूमरेटर है ये भी लीनियर इन अल्फा, और ये जो डिनोमिनेटर है वो भी लीनियर इन अल्फा, ठीक है, वो भी लीनियर इन अल्फा है और डिनोमिनेटर भी लीनियर इन अल्फा है. तो पहली बात कमी है इसकी कि लीनियर अपॉन लीनियर होना चाहिए, ठीक है. अच्छा, अब इस ये भी एक्चुअली मैं कमी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि इसको ओवरकम कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो सुनिए, कि अगर मान लो ये लीनियर की जगह कुछ और होता, अल्फा में कोई हायर डिग्री होता, लेट्स से अल्फा की पावर 6 प्लस 5 अल्फा की पावर 5 प्लस 7 और अपॉन में भी कुछ अलग होता, मान लो लीनियर नहीं होता, जैसे मैंने लिख लिया अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 2, लेट्स से ये होता इसकी जगह, लीनियर अपॉन लीनियर नहीं होता, तो हमारा एक स्टेप बढ़ जाता बस. फिर हम लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट करते, कैसे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. क्या पढ़ा था, कि अल्फा अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट है तो हम अल्फा के कितने भी डिग्री पॉलिनोमियल हो, कितना भी 1000 डिग्री 5 जो भी हो, मतलब प्रैक्टिकली 7 डिग्री 8 डिग्री तक जो भी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं. वही वाला पार्ट, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. दोबारा एक बार मैंने बोला, अल्फा अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट है देन आई कैन सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई अल्फा का कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल इन लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा. तो ये भी मेरा लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर अपॉन लीनियर आ गया. फिर हम ये प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे जो अभी किए थे, जैसे गामा को मानेंगे वो, फिर अल्फा निकालेंगे गामा के टर्म्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के हमें गामा में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है. तो इसलिए मैं इसको लिमिटेशन नहीं बोलूंगा प्रॉपरली, लिमिटेशन है कि बस हमारा एक आध स्टेप बढ़ गया. दूसरी बात, हाँ ये जरूर हम बोल सकते हैं लिमिटेशन का पॉइंट ऑफ क्या है, कि जो तुमने देखा ना रूट्स, जैसे मैंने रूट्स क्या लिखे थे, एक तो ये लिखा था और एक लिखा था K1 बीटा प्लस K2 अपॉन K3 बीटा प्लस K4.
तो ध्यान से देखो, क्या इसमें अल्फा बीटा दोनों है साथ में है? नहीं. क्या इसमें साथ में है? नहीं. तो यही लिमिटेशन है कि जो जो रूट्स निकाल लेना हमें उसमें अल्फा और बीटा सेग्रीगेटेड है, एक साथ नहीं है. तो ऐसे लिख लो, अल्फा कॉमा बीटा आर सेपरेटेड या सेग्रीगेटेड. सेपरेटेड लिख लो, सेग्रीगेटेड मतलब अलग अलग होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए. जो मुझे रूट निकालना है ना गामा, उसमें या तो अल्फा है या बीटा है, दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए. तो अल्फा एंड बीटा शुड बी आर शुड बी सेपरेटेड. Should be separated. Clear है बच्चों? चलो अब हम आते हैं इसके explanation part पे. देखो explanation ही बहुत ही आसान है. क्या है? देखो कि जैसे कि एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा clean कर देता हूँ, ठीक है? Duster. सुनना, मैंने क्या बोला कि इसका explanation देख रहे हैं हम, ठीक है? तो देखना क्या है कि जैसे मैंने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट से मेरे अल्फा और बीटा. मुझे निकालना था के वन अल्फा प्लस के टू अपॉन के थ्री अल्फा प्लस के फोर, और लेट से मैंने इसको गामा मान लिया. तो मुझे क्या निकालना है? वो क्वाड्रेटिक जिसका रूट गामा हो. तो देखो मैंने क्या किया, पहले इधर से अल्फा निकाला इन टर्म्स ऑफ गामा, तो मेरा कुछ तो आ गया. लेट से मैंने उसको ऐसे मान लिया, ए बी सी हो गया, डी डी गामा प्लस ई अपॉन एफ गामा प्लस एच, ठीक है ना? डी एफ एच आर कॉन्स्टेंट, ऐसा आ गया तो मेरा अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा. अब सोचो कि मुझे पता है अल्फा इसका रूट है, तो और अब मैं बोल रहा हूँ अल्फा को मैंने ये लिख दिया इन टर्म्स ऑफ गामा, तो रूट अगर इसका अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा ना. तो वही तो हमने किया था कि अल्फा इसको अल्फा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया था, अल्फा इसमें सब्स्टिट्यूट किया था. अच्छा, अल्फा सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक मिल गया गामा में. फिर मैंने उसको रिवर्स करके बोला, मैंने कहा अगर ऐसा लिखा है ए, लेट्स से ऐसा लिखा है ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इफ ये देन, या फिर दिस इंप्लाइज, ऐसे लिख लो, दिस इंप्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का एक रूट गामा होगा, और वही तो मुझे निकालना था जो दिया था गामा. तो देखो ये वाला एक्सप्लेनेशन तो एक्चुअली मैंने वो प्रोसीजर बताते वक्त ही बता देता, ये पार्ट मेन था. बच्चों को ये होता है कि सर ठीक है हम कर तो ऐसा रहे हैं कि ये पहले हमने गामा मान लिया, फिर अल्फा को गामा के टर्म्स में लिखा, फिर ये इसमें सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं? और फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्वाड्रेटिक बन जाता है, उसका रूट गामा होता है. इस ये क्वाड्रेटिक तो इसके रूट्स तो अल्फा थे. एक्सप्लेनेशन इज कि इधर से हमने अल्फा ही तो निकाला है और अल्फा इसका रूट है, तो ऑफकोर्स सेटिस्फाई करेगा, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा, ठीक है ना? फिर सिंप्लीफाई करने के बाद वो ऐसा कुछ आ गया. फिर हम रिवर्स में लगा रहे हैं कि ऐसा लिखा है तब मैं बोल सकता हूँ कि गामा इसका रूट होगा. खुद सोचो अगर मुझे ये स्टेप दिया होता कि इसका रूट गामा है, तो हम कहाँ जाते हैं? इस पे जाते हैं ना, गामा इसको सेटिस्फाई करेगा. अब हम उल्टा जा रहे हैं. आई होप समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन पार्ट. छोटा सा ये मेन इसी स्टेप में दिक्कत होता है कि अल्फा हम इसमें क्यों रख रहे हैं. अल्फा इसका रूट है बेटा, इसलिए रख रहे हैं. क्लियर है बच्चों? अच्छा चलो, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट. और ध्यान देना, और मैं क्वेश्चन लिखूंगा फर्स्ट, तुम्हें क्या करना है वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन कॉपी करके पॉज करके खुद से ट्राई करना है, ठीक है? चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं. हाँ, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन. क्या लिखा है? लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव रूट्स एज अल्फा कॉमा बीटा, देन यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एज. अब मैं इसका लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, रूट्स एज. लेट से पहले छोटा सा लिखते हैं, अल्फा प्लस थ्री कॉमा गामा प्लस थ्री, ठीक है? चलो, तो देखो एक तरीका तो क्या है, हम मेथड वन से जाएं, बट मेरा अभी टारगेट क्या है, मेथड वन तो हमने पहले भी उस टाइप का क्वेश्चन किया है, तो आई वांट कि तुम लोग मेथड टू का प्रैक्टिस हो जाए. तो अभी हम क्या करेंगे, एक तो मेथड टू करेंगे और एक हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट आया या नहीं. वो कैसे करेंगे? क्योंकि देखो जैसे अभी तो मैंने क्वेश्चन जो लिया ना, बहुत जो क्वाड्रेटिक लिया है वो बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक लिया है, उसके जो रूट्स आ रहे हैं वो इंटीजर्स आ रहे हैं. ध्यान से देखो, इसके रूट्स हैं 3 and 4, sum of root is 7, product is 12. But exam में ऐसा question नहीं आएगा. Exam में जो quadratic होगा ना, वो क्या दिया होगा? उसके irrational type के roots होंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा calculation ज़्यादा होगा अगर तुम जो मैं अभी verify करने वाला method बताऊँगा उससे करेंगे. Of course वो ऐसा question नहीं देगा कि तुम्हारा directly तुम alpha और beta से निकाल दो, नहीं. मतलब alpha beta निकाल तो लोगे, but बहुत irrationality type की आएगी, जैसे under root के अंदर आएगा चीजें. तो अभी मैंने इसलिए simplify लिया, क्यों लिया? कि मैं वेरीफाई कर सकूंगा अपना आंसर, ठीक है? चलो, तो अल्फा एंड दिस इज बीटा, एक्चुअली
अब सुनना, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, स्टेप बन गया था हमारा, इसको मैंने गामा मान लिया किसी एक को, तो लेट से गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3। फिर क्या बोला था, एक्सप्रेस अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा, तो एक ही लाइन का अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस 3। ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट के लिए, उससे पहले जैसे तुम कोई में से, तुम में से किसी को आया होगा दिमाग में, सर आपने जो बताया था लीनियर अपॉन लीनियर के लिए बताया था, बट मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऐसा लिखा है अल्फा प्लस 3 अपॉन 0 अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 3 अपॉन 0 बीटा प्लस 1, तो हो गया इस फॉर्म में, वेयर माय k2 इज सॉरी k3 इज 0 एंड k4 इज 1। क्लियर है? तो इस टाइप के लिए वैलिड होगा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जो मैंने मेथड लिखाया, और उधर भी लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, लीनियर केवल लीनियर के लिए भी वैलिड होगा, 1 अपॉन लीनियर के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है ना, अगर ऐसे लिखना है तो उधर तुम इसको भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो तो मैं इस पर अब कर देता हूं पार्ट को। अब देखना फिर क्या करते हैं, इसको हम गिवन क्वाड्रेटिक में रखते हैं, तो उसमें रख देते हैं इस हमारी क्वाड्रेटिक में, तो क्या आ जाएगा, गामा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 7 इंटू गामा माइनस 3 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, गामा स्क्वायर माइनस 6 गामा प्लस 9 माइनस 7 गामा प्लस 21 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो गामा स्क्वायर माइनस 6 गामा माइनस 7 गामा माइनस 13 गामा और 21 प्लस 9 30 प्लस 12 42 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका और रूट्स देखते हैं। तो इसके रूट्स भी क्या करें, हम 42 को मैं ब्रेक करना चाहूं तो 21 इंटू 2 तो 7 इंटू 6 तो 7 प्लस 3 13 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे, 7 एंड 6। अगर तुम ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाल पा रहे हो सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट से, देन यू शुड यूज दैट फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मैं इससे ऑब्जर्वेशन से लिख दिए। नाउ यू कैन सी, अब इसके जैसे मैंने रूट बोला था कितना थे, 3 और 4। अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं। कैसे कर रहा हूँ, मेरे को रूट क्या निकालना था, अल्फा प्लस 3 कॉमा बीटा प्लस 3 वाला क्वाड्रेटिक। तो अल्फा प्लस 3 क्या होगा, अगर अल्फा को 3 बोलूं तो ये हो गया 6, बीटा को 4 बोलूं तो ये हो गया 7। जो क्वाड्रेटिक निकालना है उसके रूट से 6 प्लस 6 एंड 7, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इज 13 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 42 इक्वल्स टू 0। तो देखो सेम आ रहा है, तो मतलब ये हमने किया वो करेक्ट है। क्लियर है बच्चों, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब इसी के हम और पार्ट्स लिखते हैं, सब पार्ट्स। अच्छा, तो अब मैंने फर्स्ट लिख लिया अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस। अब थोड़ा आप एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे, मतलब 1 अपॉन लीनियर टाइप का ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट इज विद रूट्स एज, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 कॉमा 1 अपॉन बीटा माइनस 1। अच्छा, तो क्या करें हम, लेट गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। फिर मेरे को क्या निकालना, अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा, तो इधर आएगा अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू गामा सॉरी 1 अपॉन गामा। तो अल्फा मेरा आया 1 प्लस 1 बाय गामा, इधर से आया गामा प्लस 1 अपॉन गामा, दिस इज माय अल्फा। क्या करूं मैं, इस क्वाड्रेटिक में रख देता हूं, तो x स्क्वायर मतलब गामा प्लस 1 अपॉन गामा इसका होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू गामा अल्फा प्लस 1 अपॉन सॉरी गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, तो गामा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू गामा प्लस 1, इधर एलसीएम लूंगा तो गामा गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो इनटू गामा प्लस 12 इधर गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चलो लिख लेते हैं इसको, गामा इधर से आया गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा प्लस 1 माइनस 7 गामा स्क्वायर माइनस 7 गामा प्लस 12 गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो गामा स्क्वायर माइनस 7 गामा स्क्वायर माइनस 6 और 12 माइनस 6 इज 6, तो 6 गामा स्क्वायर और माइनस 7 गामा प्लस 2 माइनस 5 गामा क्या करेक्ट है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी रिक्वायर्ड, अब क्वाड्रेटिक क्या बोलूंगा मैं, क्वाड्रेटिक तो वेरिएबल के टर्म्स में बोला होता है ना, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस विल हैव रूट्स एज 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 एंड 1 अपॉन बीटा माइनस 1। अब वेरीफाई कर लो तुम, कैसे करें हम, हमें तो पता है ना अल्फा इज 3 बीटा इज 4। अब वेरिफिकेशन प्रोसीजर, अब वेरीफाई कर लेते हैं हम कि हमने जो किया करेक्ट है नहीं। तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 3 माइनस 1
कॉमा वन अपॉन बीटा माइनस फोर माइनस वन, तो ये आया वन बाय टू, ये आया वन बाय थ्री, तो एडिशन देख लो सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, फाइव बाय सिक्स, इधर क्या आ रहा है माइनस बी बाय ए, फाइव बाय सिक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है वन बाय सिक्स, इधर क्या आ रहा है ये प्लस, एक्चुअली दिस इज प्लस, तो वन वन बाय टू इंटू वन बाय थ्री, वन बाय सिक्स, तो करेक्ट इक्वेशन लिखा है हमारे, समझ में आया बच्चों कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, रोसियर एक बार प्रोसीजर समझ में आ गया फिर तुम्हें कैसा भी एक्सप्रेशन दिया हो यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है ना, बस प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं जस्ट अब हमारा ये हो गया, बस प्रैक्टिस चल रही है, वो हमारी मेथड इतना ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और नहीं बढ़ने वाली है। चलो अब लिखे हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट, मैंने अब लिख लेता हूँ अल्फा माइनस टू अपॉन अल्फा माइनस फाइव, वेरीफाई कर लेता हूँ, अल्फा माइनस वन लिख लो इसको, कॉमा बीटा माइनस टू अपॉन बीटा माइनस वन, ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स ये हैं, तो वीडियो पॉज करो तुम लोग करो इसको, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो क्या लिखूँ, दिस इज इक्वल टू गामा, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस टू अपॉन अल्फा माइनस वन, तो अल्फा गामा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस टू, तो अल्फा को एक साइड लेके आए, ये वाला अल्फा इधर लेके आए, तो अल्फा इंटू गामा माइनस वन इज इक्वल टू, ये गामा को उधर ले गया, तो गामा प्लस सॉरी गामा माइनस टू, तो अल्फा मेरा क्या आ गया गामा माइनस टू अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। अब इस गामा को क्या रखें, इस क्वाड्रेटिक में रख देते हैं, तो गामा में जो क्वाड्रेटिक बनेगा बस उसका क्या होगा, वो वही क्वाड्रेटिक होगा जिससे रूट गामा होंगे, तो मैंने लिखा इसको तो गामा माइनस टू अपॉन गामा माइनस वन का स्क्वायर माइनस सेवन इंटू गामा माइनस टू अपॉन गामा माइनस वन प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं गामा माइनस टू का स्क्वायर, मैं एलसीएम ले रहा हूं तो माइनस सेवन इंटू गामा माइनस टू इंटू गामा माइनस वन प्लस ट्वेल्व इंटू गामा माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इधर से आया गामा स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर गामा माइनस सेवन इंटू गामा स्क्वायर माइनस थ्री गामा प्लस टू प्लस ट्वेल्व गामा स्क्वायर प्लस ट्वेल्व और माइनस ट्वेंटी फोर गामा इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो और कर लेते सिंप्लीफाई, तो गामा स्क्वायर प्लस ट्वेल्व थर्टीन गामा, थर्टीन गामा माइनस सेवन फोर गामा सॉरी थर्टीन माइनस सेवन सिक्स गामा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, अच्छा माइनस फोर गामा और ग्यारह सेवन सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन और माइनस फोर और माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट और प्लस ट्वेंटी वन माइनस सेवन गामा, अब कॉन्स्टेंट पार्ट फोर और ये माइनस फोर्टीन, तो फोर माइनस फोर्टीन माइनस टेन प्लस ट्वेल्व प्लस टू, तो अब वेरीफाई कर लेते हैं, नाउ वेरिफिकेशन मेथड, नाउ वी विल वेरीफाई, वेरीफाई कर इधर वैल्यू रख देते हैं, तो अल्फा माइनस टू तो थ्री माइनस टू गामा इज इक्वल टू क्या है थ्री माइनस टू अपॉन अल्फा माइनस थ्री माइनस वन विच इज वन बाय टू, और जो मेरा लेट्स इसको डेल्टा बोल रहा हूँ दूसरा रूट को, तो डेल्टा क्या है मेरा बीटा माइनस टू, तो बीटा इज फोर फोर माइनस टू फोर माइनस टू अपॉन फोर माइनस वन टू बाय थ्री, जस्ट देख लो सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से वेरीफाई करो, तो मैं आई विल टेक द सम वन बाय टू प्लस टू बाय थ्री, देखो कितना आ रहा है फोर प्लस थ्री सेवन बाय सिक्स, तो आ रहा है सेवन बाय सिक्स माइनस बी बाय, व्हेन विल टेक प्रोडक्ट ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा वन बाय थ्री, तो टू बाय सिक्स विच इज वन बाय थ्री, हैंस हमारा आंसर जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ऐसे लिखूंगा बिकॉज जनरली हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के टर्म्स में लिखते हैं, तो आई विल से द क्वाड्रेटिक हूज रूट्स आर गामा एंड डेल्टा इज 6x square minus 7x plus 2 is equal to 0. Variable का नाम कुछ भी उससे क्या मतलब है? Clear? Actually answer, final answer तो ऐसे लिखना चाहिए. This is a quadratic whose roots are alpha minus 2 upon alpha minus 1 and beta minus 2 upon beta minus 1. Clear है बच्चों? चलो, तो video pause करो इसको, copy करो. अब दो चार पार्ट में होमवर्क के लिए दे देता हूँ इसके, ठीक है? इसी के अंदर तुम्हें निकालना है क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स है, थोड़ा सा मैं देखो क्या देता हूं, इसी में फोर्थ पार्ट हूज रूट्स आर थ्री अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस टू कॉमा थ्री बीटा माइनस वन अपॉन बीटा माइनस टू, एक तो ये क्वाड्रेटिक आ रही है, फिफ्थ वन हूज रूट्स आर वन बाय अल्फा एंड वन बाय बीटा, और इसको मेमोराइज करना है रिजल्ट को क्या होता है, बेसिकली
ठीक है ना, वो मैं चलो इसको जनरलाइज, एक काम करना चलो अभी तो इसी के लिए सॉल्व कर लो, मैं जनरलाइज भी लिखवा दूंगा बाद में नोट के फॉर्म में। जैसे हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा एंड बीटा लेंगे, तब हम देखेंगे कि चेंज क्या होता है। अगर मुझे रूट्स, मुझे वो क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स है रेसिप्रोकल ऑफ दोज रूट्स, ठीक है ना, वो क्वाड्रेटिक, तो वो इसमें आ जाएगा, तुम्हारा कवर हो जाएगा, बट एज अ नोट भी मैं लिखवा दूंगा उसको। सिक्स्थ वन, अच्छा देखो एक है मेरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दीज थ्री विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इससे हमारा खत्म हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, ज्यादा वेराइटीज नहीं होती, वही प्रोसीजर है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना काफी है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और याद रखना, कोई भी डाउट आए तो पेंडिंग नहीं करना उसको, हाल की हाल पूछ लेना उसी दिन जिस दिन लेक्चर है वो पर्टिकुलर स्लॉट, ठीक है ना। और कोशिश करना मैथ्स स्लॉट में पूछो, और नहीं तो सारे जब तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों कंप्लीट हो जाए तो दोपहर के वक्त भी तुम पूछ सकते हो, शाम तक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फील फ्री टू आस्क, ओके, थैंक यू।